अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुश आमदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे बच्चों को और बुज़ुर्गों को बहुत ही अदब से सलाम करती है आप सबकी सहेली। और आप लोगों ने जो इस सिलसिले को बेहद पसंद किया है, जो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम का आगाज़ नेशनल एंथम से करना शुरू किया है, उसके लिए बेहद शुक्रिया। मेरी चंद एक सहेलियों ने फ़ोन किया, बहुत अप्रिशिएट किया, और कुछ मेरी सहेलियों ने फ़ोन करके कहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको नेशनल एंथम आता ही नहीं था, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूल्स में उस तरह से रेगुलरली नहीं पढ़ा जाता नेशनल एंथम। तो बच्चे जो हैं, आपकी जो ये कैंपेन स्टार्ट की है, इस कैंपेन के थ्रू जो है वो सब सीख रहे हैं। और एक मेरी सहेली हैं समीना नारोवाल से, उनका अक्सर फ़ोन भी आता है हमारे शो के ऊपर, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि अभी जिस दिन आपने ये करना शुरू किया, ये सिलसिला और ये कैंपेन जो स्टार्ट की, तो उससे दो दिन पहले ही, बल्कि मैं ये सोच रही थी कि हमारे यहाँ अब नेशनल एंथम को उस तरह से अहमियत नहीं दी जाती, और बार बार आपसे यही बात की जा रही है कि हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हमारी कौम, हमारी जितने भी लोग हैं, हमारे जो आवाम है, वो इस बारे में जानें कि कितनी अहमियत है नेशनल एंथम की, और किस तरह से जब नेशनल एंथम बजता है तो हमें उसका अदब करते हुए खड़े होना है और उसको सुनना है। और ये वो चीज़ें हैं जो मॉरल वैल्यूज़ जो हम लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होती चली जा रही हैं। ज़ाहिर है अगर आपको, यानी मेरी सहेलियों को, इस बात का इल्म होगा तभी आप कोई चीज़ जो है वो अपने बच्चों में आगे ट्रांसफ़र करेंगे। अब बात ही होती है कि जब हम कोई कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में बार बार हर रोज़ आप कहेंगे कि यही आके बात करती हैं, बट इट्स लाइक एक हैमरिंग होती है जो जिसकी वजह से आप लोगों के जहनों में ये बात फीड करने की कोशिश की जाती है कि इस कदर अहम है कि हमारे बच्चे और हम सब जाने, और इस वक्त हम सबको मुत्तहिद होना है। और जब भी हम कोई मिली नगमा सुनते हैं, नेशनल एंथम सुनते हैं, या अपने मुल्क के हवाले से कोई भी ऐसी बात सुनते हैं, तो हमारे जहन के अंदर और हमारे जो जज्बात हैं वो इस तरह से उभर आते हैं। और एक मेरी सहेली का फ़ोन आया और उन्होंने ये भी कहा कि सुबह सुबह हमारे अंदर वो जो जज्बा हुबुल वतनी है वो जाग जाता है, एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट कैंपेन, और आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। आपने हम लोगों को ये बताना है कि क्या आप ये चाहते हैं। ये बहुत, इन द हिस्ट्री ऑफ मॉर्निंग शोज़, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी भी मॉर्निंग शो का आगाज़ जो है वो नेशनल एंथम से किया जाए। और आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी कहा था, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, जब वो अपनी मूवी स्टार्ट करते हैं या फिर वो अपना थिएटर स्टार्ट करते हैं, तो वो इसी तरह से आगाज़ करते हैं नेशनल एंथम अपने मुल्क का, और सारे लोग अदब से खड़े होते हैं उसके लिए। तो हम ये चाहते थे कि हम अपने, अगर सिनेमाज़ में और थिएटर्स में ये काम, कोई भी चीज़ स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम के लिए सब खड़े होते हैं, तो क्यों ना हम अपने शो का और हर शो का आगाज़ जो है वो करें। अब बात यह है कि हम लोगों ने एक हफ़्ते की इस कैंपेन को जो चलाया है, आप लोगों ने बताना है अगर आप लोगों को वाकई ये चीज़ इतनी अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि इसी तरह से हमारे शो का आगाज़ होना चाहिए, तो हम इसको कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं, मगर बताना आपने है। और एक मेरी प्यारी सी सहेली आयशा, हु इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बहुत रेगुलर हमारा शो भी देखती हैं और बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देती हैं प्रोग्राम के हवाले से, उन्होंने कहा था कि जी उनका मैसेज आया, बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आपने ग्रीन रंग पहनने का जो सिलसिला शुरू किया है वो आप रखें फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि ये फ्राइडे का दिन जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत मुबारक
मुबारक रंग है और ग्रीन रंग को वैसे भी रिलीजियस रंग ज़रा समझा जाता है और हम सब जानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुम्बद का कलर है वो भी हरा है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम फ्राइडे को, वो जो हम लोगों ने सोचा था कि एक दिन हम सब ने ग्रीन पहनना है और वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पाकिस्तान को। और यहाँ पर कल का दिन जो है वो फ्राइडे है और यहाँ पर जितने हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमारे ऑफिस में, वो भी इंशाल्लाह हरा रंग पहनेंगे, मैं भी हरा रंग पहनूंगी। और मेरे साथ साथ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ग्रीन रंग ज़रूर पहनिए और हरे भरे कल हम सारे नज़र आएंगे। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और इससे पहले कि हम अपने आज के पहले गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएं, आप लोग जानते हैं कि मेरा इतना कंसर्न है अपनी सहेलियों के हवाले से और हम सब जानते हैं कि मौसम जो है वो बदल रहा है और जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी हो रही हैं और साथ साथ आपकी स्किन की भी बहुत इशूज़ हो जाते हैं। तो आई थॉट बहुत सारी सहेलियों ने जब ये कहा कि स्किन के बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, तो हमने कहा कि हम जो हमारे लाहौर के अंदर बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम दावत दें अपने इस शो के ऊपर और अपनी सहेलियों के तमाम मसलों का जो है वो हल ज़रूर देंगे। आज जो आजकल सीजनल डिजीज़ होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन के हवाले से, वेरी वेल नोन और बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, आप सब बहुत जानते हैं उनको, और इसलिए क्योंकि आप जब भी इनके पास गए हैं उन्होंने सारे मसले आप लोगों के हल किए। हमारे साथ हैं डॉक्टर अली काज़मी। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? जी बिल्कुल ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है, हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जिस भी चीज़ का डॉक्टर होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जो आपको पतले होने के टिप्स दे रहा है या खूबसूरत या वो व्हाट्स एवर, तो सबसे पहले जो साइकी होती है ना जो हम जैसे लोगों की जो जाते हैं पेशेंट्स, वो ये देखते हैं कि इनके खुद कोई मसला तो नहीं तो आपको देख के वाकई लगता है कि आपको कोई मसला नहीं, और अगर हुआ भी कभी होगा तो आपने इस तरह से हल किया है और यू नो ऑल द सॉल्यूशंस, सो वी कैन ट्रस्ट यू, वी कैन बिलीव यू बिकॉज यू हैव एक्सीलेंस। नहीं नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ इस बात पर कि अगर एक डॉक्टर है और वो खुद समझें गंजा बैठा है exactly. और एक शख्स कह रहे हैं कि मेरे बाल गिर रहे हैं, तो वो उससे कैसे सेटिस्फाई होगा? कि तो खुद इसके बाल गिरे हुए हैं, ये कहाँ से सेटिस्फाइड होगा? तो इसलिए आपको हर चीज़ के लिए डेफिनेटली आपकी अपनी बॉडी के लिए आपको केयर करनी है, अपनी स्किन के लिए केयर करनी है, हर एक को करना चाहिए इस चीज़ के लिए अपने आप को बेटर अच्छा रखने के लिए। और हमारा तो क्योंकि काम ये है स्किन में, हर पेशेंट ने आना है अच्छी स्किन के साथ, तो इसलिए मेंटेन करना चाहिए अपनी स्किन। तो आप अपना खूब ख्याल रखते हैं? नहीं खूब से तो नहीं नहीं बट यू नो, अच्छा एक चीज़ इससे पहले कि हम अपने उस टॉपिक की तरफ आएं, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि कोई पेशेंट आपके पास आया, उसको किसी भी किस्म की कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, आपने उसको मेडिसिंस बताई या कोई जो भी एहतियात होती है कि अच्छा ये करें और ये ना करें, कितना ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्किन का, ये नहीं कि अगर ख़राब हुई है तभी आप उसको उसकी टेक केयर करना शुरू करें, बल्कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप थ्रू आउट जिस तरह से हम अपनी डाइट का, वाटर इनटेक का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। मैं चाहूँगी कि ये बात आप बताएं हमारी देखने वाली सहेलियों को कि ये नहीं कि जिस वक्त बीमारी हो गई या कोई तो प्रॉब्लम हो गया तो ही हम आई थिंक कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही ये चीज़ है, रादर देन कि एक डिज़ीज़ आ गई है तो उसको आप कवर करें, और वो कभी कभार ऐसी डिज़ीज़ होती है कि जो फिर पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं होती, कि घड़े पड़ गए एक्नी के बाद, स्कार्स आ गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जिस तरह आपने कहा ना कि पहले ही उन चीज़ों को कवर करना चाहिए इंसान को, ज़िंदगी को, जिस तरह इंसान खाना खाता है रोज़ाना उठ के पेस्ट करता है, मुँह हाथ धोता है, तो आपको अपनी स्किन को भी रोज़ाना आपको उस पर वो चीज़ें करनी चाहिए कि जो आपको आगे फर्दर एजिंग से, रिंकलिंग से, पिगमेंटेशन से, इन चीज़ों से अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल छोटी चीज़ें बताऊंगा ताकि जो लोगों के फ़ायदे की होती हैं, इसमें खाने पीने का बड़ा अमल दखल है जी, जिस तरह लिक्विड्स का बहुत ज़रूरी है, सारा दिन दूध पानी एंड लिक्विड्स में जूसेस, ये तीन चीज़ें जो हैं आप अपनी हैबिट बना लें अपनी लाइफ की, ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी स्किन को चाहिए होती हैं, बॉडी को तो चाहिए होती हैं पर स्पेशली फॉर द स्किन। इन सब के अंदर विटामिन सी ए एंड ई,
ये बहुत ज़्यादा हमें मिलता है, ठीक है ना। ये तीन जो विटामिन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। राइट, आपने जूसेस की जो बात की, अब जूसेस जब हमारे जहन में आता है तो आजकल मोस्ट कन्वीनियंट इज कि आप डब्बा लेकर आओ और डाला और जूस आपने पी लिया, जिसके ऊपर लिखा होता है कि जिसमें विटामिंस हैं और ये है। बट व्हाट वुड यू से, क्या वो ठीक है या आपको फ्रेश जूसेस पे ही रहना? हम बिल्कुल उन जूसेस का नहीं कहते क्योंकि वो सिंथेटिक्स हैं। सिंथेटिक्स में बहुत ज्यादा शुगर ग्लूकोज वगैरह ऐड की होती है, वो एक और तरफ आपको जूस ले जाते हैं। तो आपकी तो बड़ी लड़ाई रहती होगी इन कंपनी से कि आप रेकमेंड नहीं करते। मैं तो थोड़ा सा वैसे ही बड़ा बदनाम हूँ जी इन चीज़ों पर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हूँ, बहुत स्ट्रेट बात करता हूँ, सच बोलता हूँ, और इसलिए कंपनीज अक्सर मेरे से झगड़ा करते रहते हैं कि जी इतना ज़्यादा स्ट्रेट ना बोला करें जाके हमारी चीज़ों पे। मगर जो सच है वो सच ही है कि ये चीज़ें अगर आप लेंगे, इनमें फाइबर हो, अगर आप स्ट्रेट पे खाएं, आप एक किनू खा रहे हैं या आप किसी चीज़ का पल्प भी साथ ले रहे हैं तो देट इज़ वेरी गुड फॉर यू। वो तो जो आप खा रहे हैं ये बाकी आपकी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा बनता है। मगर जितने सिंथेटिक्स हैं इनके कुछ नुकसान भी होते हैं ओवरडू करने से। तो इसलिए आप दूध जो है वो भी हम चाहते हैं कि खालिस अगर दूध हो तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, पानी का इस्तेमाल, जूस का, ये तीन चीज़ें तो हो गई एज ए खाने पीने के लिए, मेरे साथ पीने वाली तीन चीज़ें। खाने में आप जो रूटीन अपना खाते हैं उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हर चीज़ इतनी दी होती है कि जो आपकी बॉडी को जितना नीड होती है तो वो आप करें। जो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मैं बताता हूँ और आज भी हमारा टॉपिक उस तरफ भी चलेगा कि दैट इज़ आपकी स्किन को बचाने के लिए सन ब्लॉक्स। अच्छा, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो लोग धूप में बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत बाहर आउटडोर काम है कि पता है हमने सारा दिन निकलना है, थोड़ा एक्सपोजर सन का रहना है, बच्चों को स्कूल से लेना है, लेडीज़ को जाना है करना है, तो उसके लिए सनब्लॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, सनब्लॉक की जब बात आती है ना तो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए ही होते हैं। कतई ऐसी बात नहीं है जी, कोई इसमें मर्द औरतों का सबसे बहुत अच्छा आज ये आपने क्वेश्चन यहाँ किया है क्योंकि लोगों के बाकी ये कॉन्सेप्ट है कि अच्छा जी हमने भी सनब्लॉक लगाना है कि मेल ज्यादा, तो सनब्लॉक तो हर एक बल्कि रादर मर्दों के लिए ज़्यादा है कि क्यों मर्द ज़्यादा बाहर निकलते हैं। नेचुरली हमारी सोसाइटी में मर्द ज़्यादा बाहर निकलता है, उसने साइकिल पे भी जाना है, पैदल भी जाना है, मूव करना है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू द सन है। तो मर्दों के लिए तो बल्कि मैं कहूँगा पहले, औरत का तो बाद में, पहले मर्द का ही बनेगा। मगर सब सन ब्लॉक से एक होते हैं, याद रखें, मर्दों के लिए औरतों के लिए जस्ट एक ही, कोई इसमें ये ज़रूर है टाइप ऑफ स्किन के मुताबिक है। अच्छा। अगर ऑयली स्किन है तो सन ब्लॉक्स डिफरेंट हैं, अगर ड्राई स्किन है तो डिफरेंट हैं। जिस तरह आजकल मौसम है ये एक ऑयली स्किन का मौसम है जिसमें बहुत ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसमें आपको वाटर बेस्ड सन ब्लॉक चाहिए। अच्छा। याद रखें इसमें वाटर ज़्यादा होता है, वाटर बेस्ड, वो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देगा, वो आपकी ऑयलीनेस को कम करेगा। तो आपके जो है ना चेहरे पे मजीद समझे एक ऑयल लगाया, ऑयल ऑलरेडी ऑयली स्किन है और आपने वो, तो अगर कोई आप ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक लगा लेंगे तो ओवर ऑयली स्किन हो जाएगी, अजीब सा पसीना सा चेहरे पे सॉर्ट ऑफ नजर आएगा। डॉक्टर साहब एक और कॉल है हमारे पास, जुनैरा की। जी अस्सलाम वालेकुम। हां जी अस्सलाम वालेकुम। जी जुनैरा, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? हाँ जी, मेरी एज 33 है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। जी मेरी एज 33 है, मैंने ये पूछना है कि मेरे ऑयली, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, हेयर भी ऑयली है और मुझे डेली शैम्पू करना पड़ता है। ठीक है, फ्रंट से मेरे बालों में बाल्डनेस शुरू हो गई। अच्छा, अब फेस की स्किन भी ऑयली है और बाल भी जो है उसमें भी ऑयल आ जाते हैं, दोनों में? ठीक है, मैरिड है। आप मैरिड है? जी मैरिड। चेहरे पे कील दाने तो नहीं है आपके? नहीं, ओपन पोर्स है, टी जोन एरिया। ओके राइट, मैं बताता हूँ जी। जी अच्छा जी, अब इस तरह अभी हम वही जिक्र कर रहे थे ऑयली स्किन का, तो उनका क्वेश्चन भी इसी पे आ गया। तीन टाइप ऑफ स्किन होती हैं अगर हम इस तरह वाली स्किन, वैसे तो मुख्तलिफ इसकी क्लासिफिकेशन हैं। एक होता है ड्राई स्किन, एक होता है ऑयली एंड मिक्स्ड। ठीक है, ये तीन तरह है। अब जिस तरह उनका जिक्र करें, वो कह रहे हैं मेरी ऑयली स्किन है, ओवर ऑयली स्किन है, ये बाल तक उनके ऑयली हो जाते हैं। इसमें हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स हैं जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स के कंट्रोल्स में होते हैं और ये चल रहे होते हैं, इनका एक नॉर्मल एक सिलसिला चल रहा होता है, ऑयल प्रोडक्शन का एक नॉर्मली हो रहा था। कई लोगों में बहुत ज़्यादा होता है जिनके ऑयली स्किन है, ये तो बाई नेचर आपका, बाई डेवलपमेंट आपकी जीन्स में ये चीज़ है कि उनकी वो ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इसमें ऑयलीनेस बहुत ज़्यादा चेहरे पे, सर पे, बहुत वो ग्लैंड्स ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसका एस सच तो हल कोई नहीं है, कोई दवाई ऐसी नहीं है कि जो हम दें तो वो सर का ऑयल और इस तरह ख़त्म कर दे। जी हाँ, मगर एक दवाई है कि जो कील के लिए, एक्नी के लिए दी जाती है। ठीक है,
तो वो कभी हम फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़बरदस्त दवाई है जी, केमिकल नेम तो है उसको आइसोट्रेटिनोइन। ठीक है, वो जाके इन ऑयली ग्लैंड्स पे, ये जो ग्लैंड्स बालों की जड़ों के साथ लगे होते हैं, सबिशियस ग्लैंड्स, उनको समझे, वो जो ग्लैंड है उसको बिल्कुल नचोड़ देती है। ठीक है, हाँ जी, उसको बिल्कुल स्क्वीज कर देती है, उसके अंदर से ऑयल निकलना बंद हो जाता है। कोई 6 से 8 महीने वो दवाई दी जाती है, वो स्किन की ऑयलीनेस को भी ख़त्म करती है और जितनी एक्नी होती है चेहरे पे, कील अगर कई बच्चों के आ रहे होते हैं, उनको भी वो बिल्कुल खत्म कर देती है। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात।